भाई सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं, मगर दिवा प्रभाग समिति में कोरोना संक्रमित का एक ही व्यक्ति पाया गया था, मगर अब वो मरीज भी ठीक होकर अपने घर वापस आ चुका है। आपको बता दें कि मुंब्रा शहर का कुछ हिस्सा दिवा प्रभाग समिति में आता है, मगर अब तक मुंब्रा में जो भी कोरोना संक्रमित पाए गए उन्हें मुंब्रा प्रभाग समिति में काउंट किया जा रहा था, जबकि कुछ कोरोना संक्रमित मुंब्रा शहर के उस हिस्से में पाए गए हैं जो दिवा प्रभाग समिति में आता है। ऐसे में मुंब्रा में कोरोना संक्रमित की संख्या ज़्यादा हो गई और मुंब्रा रेड जोन में आने लगा, मगर शहर के कुछ जिम्मेदार इस पर सवाल खड़ा करने लगे और मांग कर रहे हैं कि दिवा प्रभाग समिति की हद में मुंब्रा के जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उन्हें दिवा प्रभाग समिति में काउंट किया जाए। जब दिवा प्रभाग समिति और मुंब्रा प्रभाग समिति ये दोनों अलग हैं और दोनों का बजट अलग अलग आता है, तो फिर कोरोना संक्रमित को दिवा प्रभाग समिति के बजाय मुंब्रा प्रभाग समिति में क्यों जोड़ा जा रहा है। ऐसे में मुंब्रा प्रभाग समिति की सभापति अश्विन राउत ने TMC के अधिकारियों से भी बात की और बताया कि 10 कोरोना संक्रमित मुंब्रा के हैं जो दिवा प्रभाग समिति में आते हैं और इन 10 लोगों को दिवा प्रभाग समिति में काउंट किए जाने की मांग की है। मुंब्रा प्रभाग समिति की सभापति अश्विन राउत ने क्या कहा है। देखिए, अभी जो मुंब्रा के हालात हैं, हर बार मुंब्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे MLA जो है आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवार साहब कंटिन्यू यहाँ पर लोगों में रब्ता बनाए हुए हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि बाबा आप लोग भीड़ न करें और भी दिगर सी बातें होते रहती हैं। उसके बावजूद लोग जो है कहीं ना कहीं मुंब्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं साफ तौर पे कहूँगी कि ये एक साजिश के तहत चल रहा है। क्योंकि दिवा प्रभाग समिति में जबकि 10 पेशेंट मिले हैं, अलमास कादर पैलेस से अगर आप यहाँ की तरफ आएंगे शिलफाटा की तरफ तो ये मुंब्रा प्रभाग समिति हो जाती है, और अलमास से आगे की तरफ अगर आप मुंब्रा की तरफ जाएंगे तो वो मुंब्रा प्रभाग समिति होती है। लेकिन अगर आप अधिकारियों का रवैया देखेंगे तो ये जो 10 पेशेंट की संख्या है इसको भी मुंब्रा में काउंट किया जा रहा है, जबकि मुंब्रा की कल जो मरीज़ों की तादाद जो है वो 36 बताई जा रही थी, और जबकि यहाँ की जो है तादाद वो नहीं ज़ीरो बताई जा रही थी कि एक ही पेशेंट था मुंब्रा दिवा प्रभाग समिति में, उसको भी डिस्चार्ज मिला है। मतलब दिवा में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं है, दिवा में जो है ज़ीरो है। अब रेड जोन में जो है मुंब्रा प्रभाग समिति जो है रेड जोन से हट भी सकती थी, क्योंकि ये 10 पेशेंट अगर वहाँ से कम होते और जो मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट है उनमें से भी कुछ मरीज़ों को डिस्चार्ज मिलने वाला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंट जो है उसकी तादाद कम हो जाती थी। अब हाल ही में आपने देखा होगा कि रशीद कंपाउंड में कुछ लोग रास्ते पे उतर के आए थे, उस वक्त भी उसको दिवा प्रभाग समिति न बताते हुए मुंब्रा प्रभाग समिति का ही नाम दिया गया। देखिए, आज ही मेरी जो है मनीष जोशी साहब से और महेश आयर साहब से मेरी बात हुई, और मैंने उनसे कहा, कल भी मेरी बात हुई कंटिन्यू, जब से कोरोना के मतलब ये जो हालात जब से हुए हैं तब से कंटिन्यू हमारी मीटिंग होती रहती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट के मामले में हमेशा कुछ ना कुछ नए नए रूल जोशी साहब हमारे लाते रहते हैं, तो उस ताल्लुक से हमारी रोज़ ही मुलाकात होती है, रोज़ ही बात होती है। तो उसी दौरान मेरी उनसे इस बारे में भी बात हुई कि आप जो है दिवा के पेशेंट हमारे इसमें काउंट क्यों करते, आप अगर इसको अभी माइनस नहीं करोगे दिवा के पेशेंट, अगर आप दिवा में नहीं बताओगे तो फिर हम लोग कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। क्या कहा नहीं तो उन्होंने शायद अभी, तो मेरे ख्याल से आज की तो रिपोर्ट ऐसी है कि वो जाहिर कर रहे हैं ना कि भाई ये दिवा के पेशेंट है और ये मुंब्रा के पेशेंट है, आज उसका असर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, ये तो इस बात का तो आश्वासन मनीष जोशी साहब ने दिया है कि मैं बाकायदा जो है जाहिर कर दूंगा कि ये दिवा में इतने पेशेंट है और मुंब्रा में इतने, क्योंकि मुंब्रा प्रभाग समिति जो है वो रेड जोन के एरिया से हटना भी तो चाहिए ना, क्योंकि जब पेशेंट अच्छे होकर रिटर्न आ जाएंगे, जैसा इन्होंने बताया कि दिवा में एक ही कोरोना पेशेंट था और अब दिवा में जो है कोरोना पेशेंट जो है जीरो है। यानी कि एक तरह से इसे लापरवाही भी TMC के अधिकारियों की कहा जा सकता है, क्योंकि दिवा प्रभाग समिति के कोरोना मरीजों को मुंब्रा प्रभाग समिति में जोड़ना क्या ठीक था, आखिर ऐसा क्यों किया गया, ये तो TMC के अधिकारी ही बेहतर बता पाएंगे कि आखिर इसके पीछे क्या राज छुपा था। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।